आप देख रहे हैं जिंजर स्पोर्ट्स शो। कल काफी लोगों ने मुझे कहा कि पाकिस्तान की जो टीम है वो हरा देगी इंडिया की बी टीम को और आसानी से हरा देगी। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, कुछ ने कहा कि हरा देगी और मुश्किल होगा। लेकिन थोड़ा सा आई टोटली एग्री विद दोस्त पीपल जिन्होंने कहा थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन कुछ लोग मुझे कहने लग गए कि आपको अपनी टीम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हम अपनी टीम की रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। लेकिन सर जो हमें नजर आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया की बी टीम इस कैपेबल जरूर है, जो कि आपको मानना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है। ये मैंने आपको साफ कहा था कि टफ टाइम दे सकती है और शायद हरा भी दे अगर ज्यादा अच्छा खेले। ये मैंने आपको कहा था, मैंने ये हरगिज़ नहीं कहा था कि इंडिया की बी टीम पाकिस्तान को आसानी से हरा देगी, ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन बहुत कैपेबल है ये बी टीम इंडिया की पाकिस्तान को हराने की, ये मैंने कहा क्लियर कर दूं। लेकिन अब जो हमारे पास न्यूज निकलकर सामने आ रही है आज की स्टूडियो के अंदर, हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक्चुअली है PSL साउथ अफ्रीका सीरीज और एशिया कप के बारे में कि क्या इन तीनों में से कौन सी चीज होने जा रही है। PCB जा चुका है यार टोटली अंडर प्रेशर फिलहाल, और अब PCB के लिए बहुत मुश्किल है डिसाइड करना। एक तरफ से फ्रेंचाइज ओनर्स का प्रेशर है तो दूसरी तरफ से प्रेशर है साउथ अफ्रीकन बोर्ड का, तो तीसरी तरफ प्रेशर है कि एशिया कप भी करवाना है। तो अब PCB ने इसमें से दो चीजें करवाई और PCB वो सोच रहा है, और PCB कल हमें ये बताएगा कि PCB ने क्या सोचा है कल या परसों। इनमें से दो चीजें होगी, या एशिया कप कैंसिल होगा, या PSL कैंसिल होगी, या साउथ अफ्रीका कैंसिल, या बड़ी तब्दीलियां होगी शेड्यूल में। ये बात करेंगे आपके साथ और पॉसिबिलिटीज में बताऊंगा कि क्या कर सकता है PCB और PCB को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि तीनों में से एक चीज कैंसिल होती नजर आ रही है, लेकिन एक वो बनता है कि सारा कुछ हो जाए, वो जो बनता है कि आप PSL करवाएं फ्रॉम 25th मार्च। ओके, 25th मार्च से लेके अगर आप PSL करवाते हैं एंड ऑफ द अप्रैल तक, यहाँ पे PSL एंड ऑफ द अप्रैल से मेरा मतलब कि 25th मार्च से अप्रैल का स्टार्ट, यानी एंड किया जाए 5th-6th अप्रैल तक आप 10 दिन या 12 दिन में PSL निपटा सकते हैं। उसके बाद क्योंकि साउथ अफ्रीकन प्लेयर तो जाना होगा आपके यार IPL खेलने, तो IPL के लिए तो वो जाएंगे, क्योंकि अगर आप शेड्यूल डिले करवा देते हैं इस सीरीज का, तो ये सीरीज फिर आप करवा सकते हैं जून के एंड में। लेकिन ये भी बहुत मुश्किल होगा, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर जो है वो IPL खेलने ना जाए तो ये सीरीज हो सकती है, जो कि बहुत मुश्किल नजर आते हैं हमें कि दो फिर सारा कुछ हो सकता है। नहीं तो दो चीजें होंगी, या और प्रॉबेबली PSL या साउथ अफ्रीका सीरीज में से एक चीज कैंसिल करनी पड़ेगी आपको, एशिया कप और PSL या PSL। साउथ अफ्रीका सीरीज मेरे ख्याल से हो जाएगी और PSL या एशिया कप में से भी कुछ कैंसिल हो सकता है। अगर आप बात करें साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, सीरीज डिले होने का चांस नहीं है क्योंकि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने जाना है आगे आपके IPL खेलने। तो अब जो पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप जून में एशिया कप या PSL करवा लें, तो जून में अगर आप एशिया कप या PSL करवाएंगे तो एशिया कप के लिए इंडिया भी अपनी टीम भेजने को तैयार है कि हम अपनी बी टीम भेज लेंगे। उसके अलावा PCB कहेगा कि हमने PSL करवानी है, तो उस पर भी काफी तो बड़ी बहस चल जाएगी कि आप क्या करवाना है, तो PSL खतरे में नजर आ रही है। तो अब जो हो सकता है कि अगर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स मान जाए कि हम पोस्टपोन करते हैं अपना थोड़ा सा टूर आगे कर लेते हैं, तो ओनली पॉसिबिलिटी बनती है कि तीनों चीजें हो जाए, या जून में कुछ ऐसा शेड्यूल सेट हो कि अगर श्रीलंका में वो हो रहा है तो उससे पहले PSL हो जाए और साथ ही बाद में जाके एशिया कप हो जाए, ये सिचुएशन रहती है। लेकिन ये बहुत मुश्किल और टफ रहने वाला है कि तीनों चीजें करवाना बहुत मुश्किल लग रहा है, PSL IPL और सब कुछ खिलाना, PSL एशिया कप और साउथ अफ्रीका सीरीज करवाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं इसे पर्सनली पूछूं तो साउथ अफ्रीका सीरीज लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान आके पहली चीना कंट्री बनी जिसने 10-15 साल बाद पाकिस्तान ने टूर किया और पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो साउथ अफ्रीका की सीरीज मेरे ख्याल से लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि उससे साउथ अफ्रीका का भी अभी बोर्ड का फायदा है। तो साउथ अफ्रीका सीरीज मेरे ख्याल से कैंसिल नहीं करनी चाहिए, ये वादा ना निभाने वाली बात होगी। और ये जो PCB को प्रेशर किया जा रहा है फ्रेंचाइज ओनर्स की जानिब से, ये टोटली रॉन्ग है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अलावा एशिया कप भी मेरे ख्याल से होगा तो बहुत मुश्किल शेड्यूल नजर आ रहा है, शायद जून में PSL करवा ली जाए एशिया कप के साथ, देखते ही होता है। मैं आपको बता दूंगा 1-2 दिन में हमें पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।